तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेन 2018 ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो आपका जेईई मेन 2018 का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वह 15 और 16 अप्रैल को होगा। तो इसमें आपको पहले ही फॉर्म फिलअप करते वक्त ही आपको एक स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन मिला होगा, तो आपने तो उसको खैर स्लॉट उसकी बुकिंग की ही होगी कि आपको कौन सा डेट चाहिए, आपको 15 चाहिए या 16 चाहिए। अगर बाय द वे आपका जो स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस है छूट गया है, फिर भी आपको जो जेईई मेन है एक डेट देगा, या तो आपको 15 का देगा या तो फिर आपको 16 के देगा। तो आपको एक डेट मिलेगा या तो 15 का या 16 का, तो आप उस डेट को अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपके इसके टिप्स के बारे में कि आप वहां जाके कैसे कैसे आपको परफॉर्मेंस देना है, क्या क्या आपको करना है जेईई मेन के एंट्रेंस हॉल में 15 या 16 अप्रैल को आपको जाके, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो उसमें आप जो एक बार OMR आंसर शीट में फिलअप कर देते हैं, फिर आप वह मतलब हटा नहीं सकते, वहाँ गलत नहीं कर सकते, वही आपका रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में जब आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एक OMR आंसर शीट टाइप का दिया होगा, उसमें आपको क्लिक करके उस मान लीजिए एक क्वेश्चन के 4 आंसर है, तो उसमें से एक जब आप चुन लेंगे, फिर आप कुछ देर के बाद आपको पता लगा कि नहीं ये तो गलत मैंने फिलअप कर दिया, नहीं ये आंसर नहीं है, ये दूसरा आंसर होना चाहिए, तो आप उसमें बदल भी सकते हैं। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में, यह फ़ायदा आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम में नहीं मिलता, क्योंकि उसमें आपको पेन से फिलअप करने होते हैं, और जब आप एक बार पेन से फिलअप कर देते हैं तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते। तो ये मेन फ़ायदा है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में। और अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है आने वाले जो आपके 15 या 16 अप्रैल को ऑनलाइन एग्ज़ाम है जेईई मेन का। तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर आपने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वह क्वेश्चन रिपीट करता है, वह उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं कंपेयर टू ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम के। तो आपको यही काम करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करने हैं, जितने भी 38 ईयर्स के ओल्ड प्रीवियस पेपर हैं उन सभी को आपको जेईई मेन के जितने भी हैं उनको आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और फ्रेंड, जो आपका जो इस बार जेईई मेन 2018 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उन क्वेश्चन पेपर को भी आपको आपको देखना चाहिए, उनको भी आपको सॉल्व करना चाहिए, हो सके शायद दो एक क्वेश्चन आपके आ जाएं इसी में से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में रिपीट होते हैं तो इसमें से भी आ सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है। तो आपको चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम हुआ है 8 अप्रैल 2018 को जेईई मेन का ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो उसके क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप इनको यहाँ आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको जेईई मेन 2018 ऑफलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को पाने में कोई दिक्कत होती है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से भी उस वीडियो पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप जेईई मेन 2018 ऑफलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कहाँ से और कैसे अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं अपने आने वाले 15 या 16 अप्रैल को ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रैक्टिस करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर हम ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम में और हम आपको एक फ़ायदे के बारे में बात करें, तो इसमें एक फ़ायदा आपको और मिलता है कि आपका इसमें टाइम बहुत बचता है, क्योंकि ऑफलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या रहता है, इसमें आपको एक सर्कल बनाना पड़ता है, उसको पूरा फिलअप करना पड़ता है जो आंसर होता है, तो इसमें क्या रहता है, सिर्फ आपने एक बार क्लिक किया माउस को, आपका तुरंत वो सिलेक्ट हो गया वो आंसर, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपके टाइम बहुत ज़्यादा बचते हैं कंपेयर टू ऑफलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के। तो यह कुछ पॉइंट थे जो आपको गौर करना चाहिए अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2018 का, और यही कुछ ऐसे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिसकी हेल्प से आप जेईई मेन 2018 ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा भी यही मानना है कि आप इन सभी प्रोसेस को आजमाएं और देखें, और फिर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उनको रिवाइज करें, जितने भी आपने पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करें, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है ऑनलाइन पेपर कंपेयर टू ऑफलाइन पेपर के। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम किसी और इंटरेस्टेड अमेजिंग टॉपिक के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो पर लाइक जरूर करें, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।